अगर ज़मीन पे कुछ कीचड़ गिर जाए तो उसे साफ करने के लिए पोछा चाहिए जिस पोछे से आप साफ करना चाहते हो अगर वो पोछा गंदा है ग्रीस है डीजल है और आप उसी पोछे से जो दाल गिर गई उसको साफ करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी तो सजग का एक पॉइंट है कि ज्ञान तो सुन लिया अब तो मना नहीं करना है। और माधव का दूसरा पॉइंट है कि चूंकि अभी सत्वगुणी नहीं है इसलिए हमें कोई बार बार याद कराने वाला चाहिए तो फिर किसका पॉइंट ज्यादा वैलिड माने हम पॉइंटिंग टूवर्ड माधव के माधव का पॉइंट ज्यादा सही है हां सत्व होना पहला स्टेप है इसलिए पुराने समय में महात्मा लोग कहते थे कि जब तक आपका चित्र शुद्ध नहीं हुआ तब तक वो बंदे को शिष्य स्वीकार नहीं करते थे अब जब शिष्य ही स्वीकार नहीं किया तो ज्ञान क्यों सुनाएंगे अब इस बात की कठिनाई को समझो तुम गुरु के पास हजार तरीके होते थे ये जानने के लिए कि चेला तैयार है या नहीं है जैसे अब ये बड़ा डिफिकल्ट होगा बात को हजम करना जो हम कहने जा रहे हैं जैसे सुखदेव जी वेद व्यास के पुत्र थे वेद व्यास जिन्होंने वेदों का न्यास किया मैंने एडिटिंग किया रिफॉर्म किया उन वेद व्यास जी का पुत्र है सुखदेव जिसके लिए कहते हैं कि जन्म लेते ही वो सीधे शर्त यह रखी थी कि मैं जन्म तब लूंगा जब मेरा कमंडल सामने रखा जाए और मुझे कोई रोके नहीं और मैं तो बस सीधे वन को जाऊंगा नहीं तो मैं पैदा नहीं होऊंगा तो व्यास जी की पत्नी को यह आश्वासन देना पड़ा और वेद व्यास जी को भी देना पड़ा यह उस पुत्र को आश्वासन दे रहे जो भी पैदा नहीं हुआ है और वो शर्तें रख रहे तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि वो कमंडल लिए और जंगल को चले गए हम अगर ऐसा एकदम ना भी लिटरली माने तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम आयु में वो जंगल को चले गए जैसे कोई बड़ा सितार वादक का लड़का है तो लोग कहते अरे तो पैदा ही सितार बजाते हुए हुआ तो दैट डजेंट मीन कि सचमुच वो सितार के साथ ही पैदा हुआ है तो ऐसे ही काव्यात्मक तरीके से ये बात कही जाती है भागवत पुराण में कि सुखदेव जन्मते ही जंगल को गए तो हम ये कह सकते हैं ये लॉजिकली ये मान सकते हैं कि वो बहुत कम आयु में माँ और पिता को छोड़ के जंगल चले गए थे अब सालों जंगल में रहे ध्यान करते थे लेकिन उनके मन को शांति नहीं आ रही अजीब बात है देखो ना बेटा ना बेटी ना बीवी ना घर ना मकान ना टैक्स ना कोई बिल ना कोई इनकम टैक्स ना कोई इनकम कमाने की चिंता फिर भी उनके मन को शांति नहीं आ रही थी बड़ी गंभीर बात है ये तब उनकी इस अवस्था को देख करके देवऋषि नारद उनके पास आए नारद जी ने पूछा के महात्मा ए विरक्त तो मुनि आपको क्या कष्ट है बोले मैं इतने साल से ध्यान कर रहा हूं जंगल में हूं लंगूटी लगा के जी रहा हूं पर मेरे मन को शांति नहीं तो उन्होंने कहा कि आप तो ऋषि वेद के पुत्र हैं आप अपने पिता के पास जाइए ना उनसे ज्ञान लीजिए अब पुत्र को क्या है स्वाभाविक रूप से अपना बाप कभी भी श्रद्धा का पात्र नहीं लगता तो वो वापिस चले तो गए और जाके ये कहा भी कि मेरे मन को पिताजी शांति नहीं आ रही ऋषि तो ऋषि है ना ऋषि जी ने कहा देखो जब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करोगे आपके मन को शांति नहीं मिलेगी वो कैसे होगा तो बोले इस समय में सबसे बड़ा ज्ञानी एक ही है विदेह मुक्त राजा जनक उनके पास जाओ तो सुखदेव जी ने प्रणाम किया पिताजी को और चले गए आप रस्ते जाते सोचते मैं जन्म जात त्यागी और वो राजा और वो मुझे ज्ञान देगा तो पिता की बात पर चले जाने के बाद में भी उनके मन में ये संशय बना रहा चूंकि पिता ने भेजा है और वो एक बहुत अच्छे पुत्र है सो so, वो महल तक पहुंचे और महल में जाकर के द्वारपाल से कहा कि मैं आपके राजा को मिलना चाहता हूं मेरा नाम सुखदेव है मैं ऋषि वेद का पुत्र हूँ द्वारपाल ने कहा यहीं खड़े रहिए महात्मा मैं भीतर सूचित करता वो भीतर गए सूचित किया राजा जनक सुनते कहते अच्छा सुखदेव आए हैं उनको वहीं खड़ा रहने दो सात दिन तक उनको वहीं खड़ा रखा गया आज के चेले सात मिनट नहीं रुके सात घंटे नहीं रुके चौबीस घंटे ना रुके बारह घंटे ना रुके सुखदेव को सात दिन तक रुकाया गया जनक जी ने पूछा तीसरे दिन वो गया कि है बोले है कह रहे अब महल का सब कूड़ा कचरा उसके सिर में डालो एक तो इंतजार करा रहे दरवाजे में खड़ा रख रहे अब उस पर कूड़ा गिरवाया अब आप सोचेंगे कि ऐसे क्यों ये जनक जी का तरीका है चेक करने के लिए कि इस आए हुए महात्मा के अंदर कितना वैराग्य है और कितना अहंकार कितना अपमान ये सह सकता है कितनी आग लगी है इसको सत्य जानने की तो कूड़ा कचरा भी गिराया पर सुखदेव वहीं खड़े रहे और आगे थी खड़े होने की याद रहे बैठने की नहीं है गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे जो आज्ञा सहन नहीं कर सकता है वो शिष्य नहीं हो सकता तो आज्ञा क्या थी वहीं खड़े रहिए तो सुखदेव जी बैठे नहीं लेते नहीं खाने को नहीं मांगा पीने को पानी नहीं मांगा सोने के लिए आंख बंद नहीं की खड़े ही रहे आप सोच के देखिए आज के कलयुग में कोई गुरु किसी चेले के साथ ऐसा व्यवहार करे तो वो चेला टिकेगा क्या? किस चेले में इतनी आग है किस में इतना वही रह गया नहीं क्यों तो मेरे बच्चे घर में अकेले या मेरा बाप का या तो मेरी मां की इस रसोई का सामान वो पैसे लाने हैं वो ये करना है वो दस काम वो हजार काम सुखदेव जी खड़े आठवें दिन उन्हें भीतर बुलाया गया जनक ने कहा आइए, आइए, आइए महात्मा कैसे आए कहते हैं कि मेरे पिताजी ने आपके पास भेजा है कि आप मुझे आत्मज्ञान कराएं। जनक कहते वो तो हो ही जाएगा आत्मज्ञान तो बाद की बात है अभी आप भूखे प्यासे होंगे तो आप जरा महल का विश्राम लीजिए भोजन खाइए फिर हम इस विषय में भी बात करेंगे तो दास दासियों को कहा कि इनको आप भीतर महल में ले जाओ और इनको भोजन छकाओ और रात ये विश्राम करें कल सुबह मेरे सामने लाना बड़े अच्छे अच्छे भोजन रेशमी गद्दे खाने को भोजन पंखा करने वाली दासियां सब कुछ उपलब्ध है पर सुखदेव जी का मन न भटका इतने आलिशान मेल में जा करके भोग की सामग्रियां देख करके भी उनका चित्त शांत रहा ने कहा कि मेरे को पत्तल में भोजन दे दीजिए मैं ये चांदी सोने के थाल में नहीं खाऊंगा पत्तल पे दाल भात दाल चावल खाया दासी ने कहा कि आपके विश्राम के लिए देखिए महात्मा पलंग तैयार है पलंग पे रेशमी चादरें हैं रेशमी तकिए हैं, है सुखदेव जी लेट गए जैसे ही लेट क्या देखते हैं उनके ठीक सिर के ऊपर एक बड़ी भारी नंगी तलवार एक पतले से सूत के धागे से बंधी हुई पड़ी लटकी हुई है। सोचो अब सात दिन खाया नहीं पिया नहीं सोया नहीं अब खिला दिया गया है उनको और सोने के लिए बिस्तर दे दी। पर सिर के ऊपर क्या है नंगी तलवार लटक रही सूत का दागा कभी भी टूट जाए सुखदेव क्या सोच सकते हैं पर संकोच के कारण न तो उस जगह से हिले और वहीं के वहीं रहे और बस रात भर आंख लगी कहा उनकी सुबह हुई तो दासी ने कहा कि अब आप स्नान कर लीजिए और आपको बस अब महाराजा के पास लेके जाना महाराजा जी के पास लेके गए तो वहाँ महाराजा जी के सामने नर्तकियां नाच रही थी सब मंत्री थे राग सभा चल रही थी गाना चल रहा है नर्तकी की डांस कर रही है सुखदेव को उस महल में खड़ा कर दिया कि अच्छा आप यहाँ रुकिए अभी आपको बुला लेंगे फिर फिर याद करो वो हैं लंगोटी लगाए हुए एक त्यागी और जिनको वो गुरु बनाने आए हैं वो कौन है महाराजा राज सिट बाट राज सिंहासन पर नर्तकी नाच रही है मंत्री सब बैठे देख रहे हैं राग सभा चल रही है सोचिए सुखदेव जी के मन पे क्या आई होगी सात दिन एक परीक्षा और रात भर नंगी तलवार सिर पर दूसरी परीक्षा तीसरी राग सभा में खड़े कर दिया नर्तकियों के समुख खड़े हैं सुखदेव राग सभा खत्म हुई तो जनक जी ने बुलाया और कहा कि अच्छा अब तुम इसे आत्मज्ञान चाह रहे हो पर आत्मज्ञान तो हम बाद में देंगे पहले तुम एक काम करो ये उठाओ प्याला जिसमें तेल भरा हुआ था कहते ये प्याला लो अपने हाथ में और जाओ हमारे शहर का चक्कर काट के आओ देखो तो सही जनकपुर कैसा है पर ख्याल रहे अगर इस प्याले से एक बूंद तेल की गिरी तो तेरी गर्दन भी कट जाएगी नाउ ऑयल्स विस्का इज मोर और लेस देन वाटर इट्स मोर पानी की एक बूंद छलक जाए डिटी कम है एक बूंद गिर सकती है बाकी पानी वहीं रहेगा प्याले में लेकिन अगर तेल की एक बूंद गिरी तो एक ही गिरेगी क्या लाइन लग जाएगी दारा बन जाएगी सुखदेव का हाथ में प्याला दे दिया दो पहरेदार तलवार लेके सुखदेव के बाएं और दाएं खड़े ऑर्डर क्या है जनकपुर का चक्कर लगा के आओ और शहर में ख़ास इंतजाम कर दिए कहीं ढोल ताशे बज रहे कहीं मदारी का खेल चल रहा है कहीं चमक दमक हो रही कहीं बम पटाके फूट रहे कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं अचानक से जोर से बच्चे चीख रहे हैं माने जितने डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं वो सारे है। सुखदेव जी हाथ में प्याला लिए हुए चल रहे हैं दो बंदे तलवार लिए चल रहे हैं वेटिंग टू चॉप ऑफ हिज हेड इफ इवन वन सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्पिल्स पूरे जनकपुर का चक्कर लगा करके सुखदेव वापिस आ गए यह हुई उनकी परीक्षा नंबर चार फिर जनक ने कहा चलो अब हमारे साथ तो महल के बाहर पीछे बगीचे में चले गए वहां जाके बैठ गए सुखदेव जी बहुत अच्छे से सष्टांग प्रणाम किया गुरुदेव को जनक जी जो ग्रस्त हैं जो राजा है वो ऊंचे आसन पर सुखदेव जो त्यागी हैं लंगूटी दारी हैं वो नीचे जमीन पे बैठे अजब लीला हुई ना ये फिर उन्होंने कहा तुम्हें आत्मज्ञान क्यों चाहिए सुखदेव तो से वार्तालाप हो रहा था कहते हैं इस वार्तालाप के दौरान बड़ी जोर से शोर हुआ आवाजें आ रही अरे आग लग गई आग लग गई महल में आग लग गई चुखदेव तो जी उठ खड़े हुए लगे जाने जनक कहते कहां चले कहते गुरुवर मेरा कमंडल मेरी लंगोटी तो आपके महल में पड़ी और आग लग गई तो मैं जाके समेट लू उसको जनक ने कहा अरे हमारा सारा महल जल रहा है और हम यहाँ शांत बैठे हैं तेरा एक कमंडल अंदर पड़ा है और तू तो कमंडल के लिए हमें छोड़ करके भीतर जाना चाहता है चार कठिन परीक्षाओं के बाद पांचवी परीक्षा में सुखदेव जी फेल हो गए सात दिन रोका एक तलवार बंधी हुई के नीचे सो जाओ दूसरी राग रंग की सभा में खड़ा कर दिया तीसरी और जब वो बाहर महल में खड़ा करवाया था दरवाजे पर तो जो कूड़ा करकट ऊपर पड़ा वो भी याद रखे तो चार ये और पांचवी जब महल में आग लगने की खबर फैली तब तो। अब सुखदेव जी बड़े चक्कर में पड़े आहा। किसी की मोह ममता नहीं लेकिन कमंडल की चिंता तो आ ही गई अर्थात जिसके मन में एक भी चीज का ममत्व है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता